जन संघर्ष संस्था उधमपुर, सभी मीडिया बंधुओं का मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो ये है कि आपने देखा कि मार्च 2020 से लेकर अभी तक हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान चाहे कोई अमीर इंसान था चाहे गरीब इंसान था, दाने दाने के लिए मोहताज हुआ था। लेकिन जिला प्रशासन की मैं बात करना चाहूंगा, उन्होंने किस तरह से लोगों से लाखों रुपया गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा किया। बात करेंगे, जानकारी जो मुझे मिली है वो आरटीआई के आधार पर जानकारी मिली थी, और जानकारी के मुताबिक 25 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक जिला प्रशासन ने लोगों से गैर कानूनी तौर पर 47,71,400 रुपया जो है वसूल किया। वो गैर कानूनी तौर पर किस ढंग से वसूल किया मैं इसकी आपको जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना काल के टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, स्पेसिफिकली डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने, जो के डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने ऑर्डर जारी किया सेक्शन 34 के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट की सेक्शन 34 और सीआरपीसी की सेक्शन 144 के तहत। और इसमें यह भी कहा गया कि जो इस ऑर्डर को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सेक्शन 59 के तहत 51 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपने देखा इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऑर्डर जारी किए और जो कार्रवाई बनती थी वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की वायलेशन के तहत ही बनती थी, जहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं मानने के जुर्म में 188 इंडियन पैनल कोड की धारा के तहत बनती थी। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने किया रेड क्रॉस की जो पर्चियां हैं उनके थ्रू ग्राई करने का काम शुरू किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑर्डर आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लागू करते हो तो लोगों से जो कोविड-19 नाम के तहत आपने 47,71,400 रुपया जो वसूला है वो क्यों वसूला है? आपने कानून के तहत जो कार्रवाई बनती थी वो क्यों नहीं की? आपने लोगों को कोरोना काल के टाइम लोगों को परेशान क्यों किया? आपने डंडे का रो दिखाया और लोगों से आपने कोविड-19 के नाम पर जुर्माना वसूला। कोई भी सोसाइटी हो, मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं, जो इंडियन जो रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट है वो ये कहता है कि वो कभी किसी को फाइन नहीं कर सकता, वो एक्ट कानून में प्रावधान ही नहीं है। जब रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के अंदर कानून का कोई प्रावधान ही नहीं है तो आपने कोविड-19 नाम का फाइन जो है लोगों से क्यों वसूला? इससे साफ जाहिर है कि जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने अपने ही ऑर्डर का उल्लंघन करके, अपने ही ऑर्डर्स की वायलेशन करके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 55A के तहत खुद जुर्म किया है।
मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी पावर का मिसयूज नहीं किया? पुलिस हम सबकी है, लेकिन पुलिस को डायरेक्शन देकर क्या उसको पावर का मिसयूज नहीं किया गया? पुलिस और भी काम करती थी कोरोना के टाइम, लेकिन उनके थ्रू जो गुराई की गई है, उनकी पावर का जो मिसयूज किया गया है, ये हम इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है। चाहते हैं कि इस मामले की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे पुलिस है, चाहे डिप्टी कमिश्नर है, चाहे और भी कोई देश में रहने वाला नागरिक है जो ऑफिसर है, जो भी दोषी है इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे उधमपुर के लोगों ने जितनी अपनी यथाशक्ति थी मास्क भी बांटे, राशन भी बांटा, लंगर भी लगाए, कैश डोनेशन भी दी, लेकिन आपने हमें डंडे की पावर और बंदूक की पावर के ऊपर क्यों लूटा? इसका हम जवाब चाहते हैं। आपने डोनेशन अलग की हुई है, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करते, सोसाइटी डोनेशन कर सकती है। अगर आपको डोनेशन चाहिए थी उधमपुर के लोगों से, तो आप काउंटर लगाते, वॉलंटरली तौर पर बोलते कि जो डोनेशन देना चाहता है दे, लेकिन अपनी आपने पावर का मिसयूज करके लोगों से जो पैसा इकट्ठा किया, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करने। उधमपुर के लोगों का पैसा हम लुटने नहीं देंगे, ये बात हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं। ये ऑर्डर चाहे जहां से भी आया हो लूटने का, इनको पैसे ग्राही करने का, लेकिन ये गैर कानूनी ऑर्डर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, और जो भी लोग दोषी हैं, चाहे वो कोई छोटा मुलाजिम है, चाहे कोई डिप्टी कमिश्नर है, इस कार्यकाल के दौरान जो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को जो है कोरोना के नाम पर कभी हम दोबारा लुटने नहीं देंगे। जो हो चुका है उसकी हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। ये आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मेन मकसद है।